ई कॉमर्स से 16 मिलियन नौकरियां पैदा हुई और उपभोक्ता खर्च बढ़ा, पहल इंडिया फाउंडेशन के अध्ययन से पता चला। पेटीएम ने बोर्ड सदस्यों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव दिया, सुशासन के लिए वार्षिक पारिश्रमिक 48 लाख रुपए पर सीमित किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई हाई प्रोफाइल कंपनियों की जांच कर रहा है और अमेज़न, वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट, रिलायंस, वॉल्ट डिज्नी और शराब निर्माता पनोद रिकॉर्ड जैसी कंपनियों से जुड़े सौदों की समीक्षा कर रहा है रॉयटर्स। निष्क्रिय फंड परिसंपत्ति बढ़कर 10.2 लाख करोड़ हो गई है, जो कुल बाजार हिस्सेदारी का 17% है, जबकि सक्रिय फंडों का एयूएम जून के अंत तक 51 लाख करोड़ रुपए था। निष्क्रिय निवेश जमीन जमीन को पकड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड अपने बेंचमार्क सूचकांकों को मात देने में असमर्थ हैं। भारत का विनिर्माण सुधारों की मजबूत नींव के साथ विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है। नुवामा रिपोर्ट भारत का विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद में 17% का योगदान देता है, जिसने देश को वैश्विक स्तर पर 6ठी सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 84 के आसपास मंडरा रहा है और इस साल अब तक 0.9% नीचे है, लेकिन REER के आधार पर जुलाई तक 7 महीनों में यह 3.6% ऊपर है। स्रोत ब्लूमबर्ग। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर ने मुद्रा के व्यापार भारित अधिमूल्यन को छुपा दिया है। अगस्त में अब तक मुद्रा ने एशियाई समकक्षों की तुलना में कम प्रदर्शन किया। S&P ग्लोबल ने टाटा स्टील लिमिटेड की जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग को BBB क्रेडिट वॉच पॉजिटिव से BBB स्टेबल आउटलुक में अपग्रेड किया। BEML ने रक्षा के लिए उन्नत समुद्री अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के समुद्री इंजीनियरिंग निदेशालय के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नवी मुंबई, महाराष्ट्र में कई वस्तुओं के विनिर्माण के लिए एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक को एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी स्टार इंडिया वाईकॉम 18 विलय के लिए आयोग की मंजूरी पाने के अपने नवीनतम प्रयासों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विज्ञापन दरकार पर 2 साल की रोक लगाने का प्रस्ताव देने पर विचार कर रहे हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारतीय स्टेट बैंक के 75 बिलियन Tier 2 बॉन्ड को A रेटिंग दी है। रेटिंग एजेंसी ने बॉन्ड पर स्थिर दृष्टिकोण की पुष्टि की है।